गुड इवनिंग, नमस्ते। आप सभी ठीक होंगे ऐसा मेरा अनुमान है। और आज का जो वीडियो है ये सभी पेरेंट्स के लिए, क्योंकि सबकी कॉमन समस्या है कि सर विद्यालय कब से ओपन है, गर्मी का छुट्टी जो हुआ था उसके बाद विद्यालय कब से चालू होनी है। और ये सभी पेरेंट्स का ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैंने जो छुट्टी का जो डेट दिया था, मेंशन किया था नोटिस में, उसमें मैंने ये वर्णन किया था कि शनिवार के दिन यानी 24 तारीख को आपका विद्यालय ओपन रहेगा। लेकिन ये भी मैंने वीडियो में बताया था, उसके बाद जो मैंने वीडियो बनाया था इसमें बताया था कि मे बी यदि सरकार का डिसीजन आता है कि गर्मी के कारण अभी और छुट्टी को बढ़ाया जाए तो छुट्टी बढ़ाया जाएगा। तो इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आशा है कि आपका होमवर्क क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा आपके विद्यालय ओपन होने में। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि विद्यालय एक्चुअल में ओपन कब से है। तो जैसा मैंने बताया कि आपको जो मैंने नोटिस दिया था उसमें मैंने बताया था कि 24 तारीख को यानी शनिवार के दिन आपका विद्यालय ओपन रहेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट का डिसीजन आया, और जैसा कि आप भी फील कर रहे होंगे, मैं भी फील कर रहा हूँ, मैं भी अपने गाँव में हूँ और आज विद्यालय जाने की तैयारी है, विद्यालय मुझे आज जाना है और एक दो दिन विद्यालय साफ सफाई में लगेगा। और विद्यालय जो ओपन होगा वो होगा मंडे से, अब 26 यानी 26 तारीख से। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, और जिनके पास जानकारी नहीं है कि विद्यालय कब से ओपन होना है, तो कृपया कर इस वीडियो को या तो शेयर कर दीजिए उनके पास, नहीं तो फिर आप उन्हें बता भी दीजिए कि कब से विद्यालय ओपन होनी है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का हमारे पास खुद के मोबाइल पर कॉल आया था, और तकरीबन सभी पेरेंट्स विद्यालय के मोबाइल पे कॉल करके ये पूछ रहे हैं। और मैंने ये बताया था आपको कि शाम के वक्त में हम वीडियो अपलोड कर देंगे एक दिन पहले कि कब से विद्यालय ओपन होनी है। तो गवर्नमेंट का जो नोटिस आया था उसमें ये साफ तौर पर लिखा हुआ था कि 24 तारीख तक विद्यालय बंद रहना है और 25 तारीख ऑटोमेटिक बंद है चूँकि संडे है, और 26 तारीख से विद्यालय अपने जो भी शेड्यूल था आपके विद्यालय आने का उसी टाइम से विद्यालय चालू रहेगा। और खासकर हॉस्टल वाले बच्चे ध्यान देंगे, ये आपके लिए जो अगला जो वाक्य निकलेगा वो आपके लिए, हालांकि सबके लिए भी है, लेकिन हॉस्टल वाले बच्चों के लिए खास तौर पर। जब आप विद्यालय आएंगे बाबू, इससे पहले भी मैंने बताया था कि जब भी आप विद्यालय आएंगे तो विद्यालय आने के तुरंत बाद आपका एग्जामिनेशन होना है, और एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी होना है, और एडमिट कार्ड के लिए आपका एक फ़ोटो ज़रूरत है। तो जब भी आप विद्यालय आएंगे तो अपना एक फ़ोटोग्राफ लेकर आएंगे, खासकर हॉस्टल वाले बच्चे, क्योंकि जब आप यहाँ आ जाते हैं तो फिर हमारा ड्यूटी लग जाता है आपके कोई भी काम करवाने में। और बाकी जो डे स्कूल वाले बच्चे भी हैं वो भी अपना फ़ोटोग्राफ एक रेडी रखेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि 27 या 28 से आपका एग्जामिनेशन होगा, लेकिन जब विद्यालय 26 को ओपन ही होना है तो फिर इसके बाद हम जब विद्यालय ओपन हो जाएगा उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि आपका जो एग्जामिनेशन है फर्स्ट टर्मिनल का वो कब से होगा। क्वेश्चन रेडी है, सिर्फ उसका प्रिंट आउट निकलवाना है, एडमिट कार्ड का भी जो आपका जो एडमिट कार्ड जो आपका प्रिंट होगा उसका भी कल से प्रिंट हो जाएगा, चालू हो जाएगा, बस उसके ऊपर फोटोग्राफ चिपकाना है। लेकिन ये आशा और उम्मीद है कि आपका जो होमवर्क है, जो आपको होमवर्क मिला होगा बाबू, वो क्लियर कर लिए होंगे, ताकि जब आप विद्यालय आएँ तो आपका होमवर्क आपके टीचर्स के द्वारा, आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनके द्वारा चेक किया जाए, होमवर्क जो आपको मिला था पेज में वो भी क्लियर होगा, और राइटिंग कॉपी जो आपको बनाने के लिए मिला था डेली के हिसाब से वो भी क्लियर होगा। बाकी कोई भी संदेह है तो आप कमेंट करके हमें पूछिए, हम आपको बताने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फिर से हम आपको बता रहे हैं कि विद्यालय जो है 24 को ओपन होना था, यानी कल ओपन होना था शनिवार के दिन, लेकिन बढ़ती गर्मी और सरकार के डिसीजन के अनुसार 24 नहीं बल्कि 26 है, 25 आपका संडे है, 26 मंडे से अपने रेगुलर शेड्यूल के हिसाब से चालू रहेगा। ये अभी भी उम्मीद है, और ऐसा अब नहीं लग रहा है कि अब इसके बाद डेट बढ़ने वाला है, क्योंकि जितना गर्मी पड़ना था वो पड़ गया। अब तो शाम के वक्त में हमारे तरफ
आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे तरफ तो शाम के वक्त में 7 से 9 के बीच में ये पिछले 3 दिनों से कुछ ना कुछ बारिश हो रही है, आपके तरफ हो रहा है या हो रही है कि नहीं ये आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। और ऐसा नहीं है कि अब जो विद्यालय खुलने का जो डेट है वो आगे बढ़ेगा, हमें ऐसा नहीं लगता है, लेकिन देखिए फिर हम एक वीडियो आपको बनाकर कल या परसों बता देंगे कि परसों से विद्यालय या कल से विद्यालय ओपन है कि नहीं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी मैं अपने घर पे हूँ और मुझे लगा कि आज ये वीडियो बना देना चाहिए ताकि पेरेंट्स जो हैं और जो हमारे बच्चे हैं वो इस वीडियो को देख लें और वो ये क्लियरफाई कर पाएँ कि विद्यालय एक्चुअल में कब से ओपन है। तो 24 पहले का जो शेड्यूल था और अब जो नया शेड्यूल है वो 26 है। 26 को हॉस्टल वाले भी बच्चे आ जाएंगे और डे स्कॉलर वाले बच्चे तो आएंगे ही। चलिए उम्मीद है कि आप सभी घर पे होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी अब विद्यालय जाने की तैयारी कर रहे हैं और आप भी विद्यालय आने की तैयारी करिए। होमवर्क यदि कुछ बचा कुचा है तो आप क्लियर कर लीजिए ताकि आप जब विद्यालय आएँ तो आपका होमवर्क ठीक तरीक़ा से जाँच किया जाए। फिर से एक बार जो हॉस्टल वाले बच्चे हैं कृपया अपना एक फ़ोटोग्राफ लेकर आएंगे ताकि आपका जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर आपका फ़ोटोग्राफ चिपकाया जाए और आप फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन में शामिल हो सकें। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।